हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मानव स्वास्थ्य हम रोग का अध्ययन कर रहे थे, जिस आज हमारा पार्ट टू है। तो लेटेस्ट स्टार्ट थर्ड है, इसमें वायरस जनित रोग, रोगजनक रेबीज का रोगजनक क्या है, तो रेबडो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। सिम्टम्स क्या है, इसमें वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे मानसिक संतुलन समाप्त हो जाता है तथा अत्यधिक उग्र स्थिति में कंठ की पेशियों में संकुचन के कारण दर्द महसूस होता है। इस स्थिति में रोगी जल को देखते ही डरने लगता है, जिस अवस्था को जलभीति कहते हैं। कुछ दिनों पश्चात रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब इसका फैलाव कैसे होता है, तो रेबीज संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर, चूहा आदि के काटने पर स्वस्थ व्यक्ति में इस वायरस का संक्रमण हो जाता है। बचाव या उपचार, इससे कैसे बचा सकता है, तो किसी भी जानवर के काटने पर एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। पालतू कुत्ते अथवा बिल्ली को प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ताकि रोग का प्रसार ना हो। प्रारंभिक अवस्था में तो इसका उपचार संभव है, लेकिन बाद में इसका उपचार संभव नहीं है तथा इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। फोर्थ वायरस जनित रोग है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका रोगी सर्वप्रथम 1981 में यूएसए अर्थात अमेरिका में देखा गया। भारत में इसका प्रथम रोगी 1986 में मद्रास में तथा राजस्थान में इसका प्रथम रोगी 1988 में पुष्कर में देखा गया। अब एड्स का रोगजनक क्या है, तो यह रोग HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस द्वारा होता है, जो कि एक रिट्रो वायरस है। इस वायरस की प्रारंभिक संरचना इस प्रकार है। इसमें आनुवंशिक प्रदान के रूप में RNA पाया जाता है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा अपनी प्रतिलिपि का निर्माण करता है तथा इसके चारों ओर एक लिपिड का कैप्सिड पाया जाता है तथा इसमें लिपिड की 2 यूनिट पाई जाती है। GP20 प्रोटीन से निर्मित होता है, तथा GP41 GP20 के अंदर दसी होती है। HIV वायरस में मुख्य आनुवंशिक पदार्थ RNA उपस्थित होता है, जिससे रिवर्स ट्रांस एंजाइम उपक्रिएटेड एंजाइम उपस्थित रहता है। आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर एक, जो कि अपने देख लिया है कि इसमें लिपिड से निर्मित होता है तथा 2 प्रोटीन होते हैं। प्रत्येक प्रोटीन का लिपिड से बाहर ऊपरी भाग G20 प्रोटीन से निर्मित होता है। G20-41 लिपिड में 10 प्रोटीन होता है। नाकोनेस और एड्स ऑर्गेनाइज कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं कि इसका प्रपोशी अर्थात स्वस्थ व्यक्ति में इसका प्रकोप कैसे होता है, अर्थात HIV का संक्रमण कैसे होता है। संक्रमण के पश्चात HIV वायरस प्रपोशी कोशिका में प्रवेश करके इस पर नियंत्रण कर लेता है। इसके लिए इसका RNA प्रपोशी कोशिका में एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम द्वारा कॉपी DNA का निर्माण करता है तथा यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या विपरीत अनुलेखन कहलाती है। अब इसे सर्वप्रथम किसने देखा, तो इसे टेमिन व बाल्टीमोर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। ऐसे वायरस रिट्रो वायरस कहलाते हैं, जिस पर इस प्रकार उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा निर्मित कॉपी DNA प्रपोशी कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ से संयुक्त हो जाता है तथा उसकी संपूर्ण कार्यप्रणाली पर नियंत्रण कर लेता है। इस परिस्थिति में वायरस के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। इस प्रपोशी कोशिका में अनेक वायरस अणुओं का निर्माण होता है, जो इस कोशिका से मुक्त होकर पुनः नई कोशिका में संक्रमण कर गुणन को दर्शाता है। इसे नियमित चित्र द्वारा, यह HIV वायरस है, यह प्रपोशी कोशिका है, अर्थात किस व्यक्ति की कोशिका है जिसने ये इस कारण ये प्रवेश करता था। इस कोशिका पर यह अपना नियंत्रण करता था, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के द्वारा पूर्ण करता है और ये अपनी प्रतिलिपि बना लेता है तथा ये दूसरे ये अनेक प्रतिलिपियाँ बस से बाहर निकलकर अन्य व्यक्तियों में रोग उत्पन्न करती है। सिम्टम्स क्या है, इस रोग में HIV वायरस द्वारा प्रतिरक्षी कोशिका अर्थात इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम प्रभावित होता है तथा उस पर करता है, जिससे कि व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है और इसका उस स्थिति में रोगी की मृत्यु होना निश्चित हो जाता है। इन विभिन्न अब होता है इसे डेट वारंट भी कहा जाता है, क्योंकि इससे प्रतिरक्षा तंत्र एकदम वीक हो जाता है। प्रसार कैसे होता है, यह वायरस दैहिक तरल पदार्थ जैसे रक्त, सीरम, लार, जननद्रव्य इत्यादि में उपस्थित रहता है। इसलिए वह विधियाँ जिनमें दैहिक तरल का संक्रमण रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में हो सकता है, इन विधियों से ही इन वायरस का संक्रमण होता है। अब इसका प्रसार अलग अलग कारणों से हो सकता है, जैसे कि यौन संबंध या फिजिकल रिलेशनशिप द्वारा। संक्रमित व्यक्ति अर्थात HIV संक्रमित व्यक्ति से फिजिकल रिलेशनशिप स्थापित करने पर उस स्वस्थ व्यक्ति में ये रोग हो जाता है। रक्तदान या ब्लड डोनेटर अर्थात कोई व्यक्ति यदि HIV वायरस से ग्रसित एड्स से ग्रसित है तथा ब्लड डोनेट करता है, तो इससे भी रोगी में स्वस्थ व्यक्ति में इसका प्रसार हो सकता है। संक्रमित अर्थात कोई व्यक्ति HIV वायरस संक्रमित था, उस एक ही सुई का प्रयोग अधिक बार करने तथा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भी इसका प्रसार हो जाता है, इस तरह सुई का प्रयोग करने से। नेक्स्ट है संक्रमित माता द्वारा, अर्थात HIV संक्रमित माता द्वारा उत्पन्न शिशु भी HIV द्वारा ही HIV संक्रमित ही होता है।
अब इसका निदान या पहचान कैसे की जाती है, तो किसी भी रोग से संबंधित एंटीजन की उपस्थिति का पता लगाना निर्धारण कर उस रोग का निदान कराता है। एचआईवी के लिए दो टेस्ट किए जाते हैं, एक तो एलिसा अर्थात एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोरमेंट एसिम, दूसरा साउथर्न प्रोटीन। और इसमें एक ड्रम आते हैं विंडोफ्रीड। विंडोफ्रीड क्या होता है, तो किसी व्यक्ति में एचआईवी के संक्रमण के पश्चात लगभग 3 माह की उपस्थिति तक इसका निदान नहीं होता। 3 माह पश्चात ये सर्वप्रथम सीरम में प्रेजेंट होता है, जहाँ इसका पता लगाया जाता है उसे विंडोफ्रीड कहा जाता है। इससे बचाव कैसे जा सकता है, तो आज तक अभी तक एड्स की कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है जिससे कि उसका उपचार तुरंत उपचार हो सके, लेकिन इसके बचाव ही किए जा सकते हैं। पहले तो ये फिजिकल संबंध स्थापित ना करें, एच आई वी व्यक्ति को डोनेट नहीं करना चाहिए, डिस्पोजल स्वीकारियों को नहीं करना चाहिए। इस रोग के बारे में सबसे अधिक लोगों को जागरूक करना चाहिए। 1 दिसंबर को भी एड्स दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में इसकी एक दवा है एजेडिटी, जिसका एजेडोथायमिडीन, इसका उपचार एड्स के लिए किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।